स्टूडेंट स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ दिवाकर। स्टूडेंट जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि हम लोग सोचता है कि आज आरसे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को पढ़ें। जैसे हुआ क्या था कि जो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल्स है, इस चीज को लेकर के काफी समस्याएं चल रही थी। जिसमें इससे पहले मैं आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया हूँ, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें भी प्रूफ किया गया है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद मैक्यूलाट मैकार्टी भाई ने भी आया और उन्होंने जो होता है कि प्रूफ किया कि नहीं भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद भी जानते हैं ना, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इन्होंने फिर क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने जो होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल आपका होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ हार्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट का। देखिए स्क्रीन पर जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग जो होता है हार्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट की बात करें। ठीक है, देखिए हार्से एंड चेस जो आप देख रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया है। किस चीज को लिया है? बैक्टीरियोफेज। आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा भाई बैक्टीरियोफेज होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो वायरस, यानी कि जो वायरस होते हैं, और ये कुछ वायरस ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज कर देते हैं। स्टूडेंट किसमें? बैक्टीरिया में भी डिजीज कॉज कर देते हैं। जब कोई वायरस ये कैपेबिलिटी अपने पास रखती है कि वह बैक्टीरिया में डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए लिखा है वायरसेस ऑन मीडियम कंटेनिंग, ठीक, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिसको P32 से डिनोट किया गया है इस एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझिएगा, सबको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या इसमें फास्फोरस होता है 32 लिया गया है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि भाई फास्फोरस क्यों लिया गया, क्यों अदर चीज को नहीं ले सकते थे? फास्फोरस इसलिए लिया गया है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में आपका सुगर फास्फेट बैकबोन भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? आपका सुगर फास्फेट बैकबोन भी पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फास्फेट ग्रुप जो होता है ये आपका डीएनए में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, इसलिए इन्होंने P32 से डिनोट यहां किया है। उसके बाद देखिए अदर मीडियम लिया गया जिसको कंटेनिंग रेडियो एक्टिव, ठीक है, यानी कि F35, यानी कि दो चीज लिया गया है। एक आपका जो होता है कि P32 लिया गया है और एक आपका जो होता है सल्फर 35 लिया गया है। ठीक है, दो चीज यहां पर लेकर के हार्से एंड चेस भाई ने चले। देखिए क्या है कि कह रहा है कि वायरसेस ग्रो इन 42, ठीक है, यानी P32, यानी कि जो वायरस है स्टूडेंट ये ग्रो कराया गया है P32 गुड रेडियो एक्टिव डीएनए। बिकॉज क्यों ऐसा? क्योंकि ओनली डीएनए कंटेन्स फास्फोरस, क्योंकि डीएनए के पास फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए P32 हम लोग डिनोट कर रहे हैं। वायरसेस ग्रो इन द S35 गुड रेडियो एक्टिव, ठीक है, प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन कंटेन द सल्फर, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि सल्फर कंटेन करेंगे, जैसे कि आपका मेथियोनिन हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या करते हैं कि कंटेनिंग अमीनो एसिड में कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि इनके पास जो होता है कि सल्फर पाया जाएगा, इसलिए जो होता है कि S35 हम लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है इस केस में, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे जो होता है कि इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूं कि आपको किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ बैक्टीरियोफेज की बात, किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरियोफेज, यानी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट ये बैक्टीरियोफेज है, ये आपका क्या बैक्टीरियोफेज है। और ये जो बैक्टीरियोफेज आप देख रहे हैं, इस बैक्टीरियोफेज का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होता है टेल फाइबर्स होते हैं जिनका नंबर होता है 6। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 तरह से क्या होगा, 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे दो बैक्टीरियोफेज को दिखाया गया है, एक में देखिएगा आपको यहीं पर समझना है
कि रेडियो एक्टिव 35 में किया गया, यानी कि आपको पता है कि जो वायरस होता है उसके पास कोई चीज होता है भाई, एक तो उसके पास होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, एक तो उसके पास होता है कि प्रोटीन की कैप्सूल पाई जाती है, दो ही चीज तो पाया जाता है, प्रोटीन की कैप्सूल जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ हुआ क्या कि S35 जो लेवल किया गया है या प्रोटीन हो गया, और इसमें आप देखिएगा कि रेडियो P32 लिया गया है जो कि डीएनए को लेवल किया गया है, इसीलिए अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ मैं बार बना दे रहा हूं, ऐसे देखिए दिखाया गया है, ये आपका जो होता है कि P32 हो गया, क्या हो गया P32 हो गया। ये जो बाहर का है रेडियो एक्टिव, देखिए बाहर की आउटर कवरिंग जो आप देख रहे हैं, इसको जो होता है कि S35 हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं S35 कह रहे हैं। अब हुआ क्या भाई कि एक मीडियम तैयार किया गया, जैसे देखिए लिखा मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज हैविंग डीएनए लेवल्स P32, ठीक है, इसके बाद होता है एक और मीडियम S35 को लेकर के चलते हैं, ठीक है, कितना लेकर चलेंगे S35 को लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि अब जो होता है कि इन्फेक्शन पास कराया जाता है बैक्टीरिया के ऊपर, यहाँ पे जो बैक्टीरिया लिया गया कौन सा बैक्टीरिया, इसका नाम था इकोलाई बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया, जिसको आप एसेरिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं, तो इकोलाई बैक्टीरिया को जो होता है यहाँ पर लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है कि अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है, कह रहा है कि दीज प्रिपरेशन वेर यूज सेपरेटली टू द इन्फेक्टेड इकोलाई, यानी कि जब तो हम क्या करते हैं कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है उस इकोलाई बैक्टीरिया में इंफेक्शन पास करते हैं, और ये सेपरेटली अब छोटा ऐसा नहीं है कि एक जो हम बैक्टीरियोफेज लिए थे आपकी P32 करके, एक हम लिए थे S35 करके, तो दोनों एक ही बैक्टीरिया में डाल देंगे, नहीं, अलग अलग जो होता है कि यहाँ पर सेपरेटली किया जा रहा है। अब देखिए आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज है इकोलाई बैक्टीरिया तो उसको इन्फेक्शन करेगा, इकोलाई सेल्स वेयर जेंटली जो होते हैं सेपरेटेड इन द ब्लेंड टू रिमूव द वायरस पार्टिकल फ्रॉम द बैक्टीरिया, होता क्या है जैसे इंफेक्शन जब हो जाता है स्टूडेंट, तो जो वायरस जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर जाएगा, मतलब जो पार्ट्स होते हैं बाहर की तरफ रिमूव किए जाएंगे, यानी कि बाहर की तरफ हो जाएगा, देन द कल्चर वायरस सेंट्रीफ्यूज, हम कल्चर कर लेते हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं लाइटर वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवीएस्ट बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, यानी कि हम उसको क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूजन मशीन का यूज करेंगे, वहां पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनको हम सेपरेट करेंगे, डीएनए हैवी है, ठीक है, अगर डीएनए हैवी है तो क्या करेंगे नीचे आपका बैठ जाता है, बाकी जो आपके सुपरनेंट होंगे वह ऊपर की तरफ टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है, करा तो मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज, ठीक है, हैविंग प्रोटीन्स लेवल्स गुड S35, अब इसको क्या किया गया इंफेक्शन पास कराया गया, यानी कि ये बैक्टीरिया, ये आपका क्या स्ट्रेन, ये आपका बैक्टीरियल सेल हो गया, जब इस बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर यहाँ पर जो होता है कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स को यहाँ पर देखिए जो होता है कि बैक्टीरियो फेज खुला के छोड़ दिया गया, फिर ये इंफेक्शन पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली इंटर करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, तो मैं यहाँ लेवल क्या किया प्रोटीन, ठीक है, तो अगर डीएनए का इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता हुआ चला जाएगा प्रोटीन से आप नहीं जाए, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मुझे पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर फाइनली जो होता है हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो होता है प्रोटीन कोट जो आप देख रहे हैं ना ये सेपरेट हो रहा है, यहाँ देखिए मैं एडजस्ट कराया अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ ब्लेंडिंग हो रहा है, यानी कि अभी प्रोटीन जो कवरिंग आप देख रहे हैं यानी कि रिमूव हो रहा है, दूर भाग रहा है बैक्टीरियल सेल से, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो होता है कि फेज डीएनए यानी कि बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए आ गया, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल से आ देखने को मिल रहा है। जब हम इनको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इनको हम फिर क्या करेंगे, अब सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन में, तो देखते क्या है कि रेडियो फेज प्रोटीन्स इन लिक्विड, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड आप मिला था उसमें क्या है कि आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बैक्टीरियल पायलट होगा यह आपको नीचे देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या हो जाता है नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए क्या है कि नेक्स्ट आपकी वही सेम रहेगा यहां पर, लेकिन क्या होता है कि हम लोग P32 लेकर चल रहे हैं और यहां पर यहां भी सेम वही प्रोसेस होगा,
कि यहाँ भी जो होता है कि वायरस को हम ला करके बैक्टीरियोफेज को छोड़ देते हैं इथलाई के ऊपर, यहाँ पे इन्फेक्शन क्रॉस करेगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव हमारा डीएनए, यहाँ पे रेडियो एक्टिव हमारा प्रोटीन। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है कि रेडियो एक्टिव कर दिया था और यहाँ पर प्रोटीन को किया था, ये अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डालता है उसके बाद आप देख रहे होंगे कि फिर हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मुझे दिखाई क्या दे रहा है, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है जो कि मैंने बैक्टीरियोफेज के डीएनए में दिया था, लेबल किया था, वह सेम मुझे दिखाई दे रहा है आप, ठीक है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो पास करता, लेकिन ऐसा नहीं देखने को आपको मिल रहा है इस केस में। यहां पर ओनली जो होता है रेडियो एक्टिव फेज कौन सा मिला है, डीएनए मिला, कौन सा मिला आपका डीएनए देखने को केस में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए वही चीज मैं बता रहा हूं यहां पर, फिर करा कि बैक्टीरियल्स इन्फेक्टेड विथ वायरस हैविंग द रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव दैट इज है क्या डीएनए हैज पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि वायरस से कहां चला गया, बैक्टीरिया में चला गया, क्योंकि डीएनए से होता रेडियो एक्टिव पास कर गया, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है इन्फेक्टेड विथ वायरसेस हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वेयर नॉट रेडियो एक्टिव, यानी कि प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया, यानी कि प्रोटीन्स होता है वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं किया, जबकि डीएनए जो आप देख रहे थे वो बैक्टीरिया में एंटर किया वायरस से, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो डीएनए है वह आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या होगा जेनेटिक मटेरियल्स होगा। इस पूरे मैकेनिज्म से कंक्लूजन अगर आप निकलेंगे, हार्से एंड चेस ने भी कहा कि नहीं भाई डीएनए ही आपका क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स है, क्या है आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि उसके बाद जैसे इस डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर वही चीज होता है एनसीईआरटी का जो लास्ट है नो रेडियो एक्टिविटी, यानी कि S35 नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन द सेल, यानी कि बैक्टीरिया के सेल में S35 डिटेक्ट नहीं किया गया, ये आपका क्या था प्रोटीन था, ठीक है। रेडियो एक्टिव 35 होता है इन सुपरनेट में मिला, जबकि यहाँ पर देखेंगे रेडियो एक्टिव P32 होता है डिटेक्टेड हुआ, इसका मतलब जो किया हुआ हमारा क्या हुआ जेनेटिक मटेरियल हुआ। इससे प्रूफ होता है मेरे प्यारे बच्चों डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स है, और इसको हार्से एंड चेस ने जो होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया कि डीएनए ही क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके ग्रेफिक का एक्सपेरिमेंट, मैकलियार्ड मैकार्टी एंड अवेरी का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो होता है हार्से एंड चेस ने भी जो होता है कि एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया, ये एनसीईआरटी का जो होता है कि डायग्राम को समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिये यहां पर जो होता है कि किसको लेवल किया गया, ये प्रोटीन की आउटपुट प्रोटीन है सब कैप्सिड, ठीक है, जिसको लेवल किया गया 35 लिया गया है। यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप P32 ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या है डीएनए है, यदि प्रोटीन है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए जो कि ये इकोलाई क्या किया दिया, ये इन्फेक्शन काज करेगा, इन्फेक्शन काज करने में ब्लेंडिंग होता है। अब यहाँ पर ये क्या सेल से दूर जा रहे हैं, इसको हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ वह बैक्टीरियल सेल में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखने को ये मिलता है कि डीएनए आपका फिक्स कर जाता है, यानी डिटेक्शन हो जाता है सेल में, आपका प्रोटीन नहीं होता है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए एज ए क्या हुआ स्टूडेंट जेनेटिक मटेरियल हुआ। बात समझ में आया यहाँ तक, तो ये जो होता है कि आपका हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।